और टेंथ के लिए संस्कृत व्याकरण व्यंजन संधि के नियम, इसके पहले नियम बताया जा चुका है, अब चौथा नियम के बारे में पढ़ते हैं। यो यरो नुनासिके नुनासिको वा, अर्थात वर्गों के प्रथम वर्ग जैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग के प्रथम वर्ग, अर्थात क, च, ट, त, प, ये प्रथम वर्ण हैं, के बाद वर्गों के पंचम वर्ग जैसे अंग, य, अड़, न, म, कवर्ग का पंचम वर्ण अंग है, चवर्ग का पंचम वर्ण य है, टवर्ग का पंचम वर्ण अड़ है, तवर्ग का पंचम वर्ण न है और पवर्ग का पंचम वर्ण म है। आए तो क के क, च, ट, त, प के स्थान पर अंग य, ड़, न, म हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि क का अंग हो जाएगा, च का य हो जाएगा, ट का ड़ हो जाएगा, त का न होगा, प का म होगा। जैसे वाक जोड़ मयम, तो यहाँ क का अंग होगा वांगमयम, जगत जोड़नाथ, यहाँ तो का न होगा जगन्नाथ, तत् जोड़मयम तन्मयम। अब आते हैं नियम पाँच, तौरली। तौरली अर्थात तवर्ग के बाद ल आए, तवर्ग का मतलब त, थ, द, ध, न के बाद ल आए, तो तवर्ग जैसे त, थ, द, ध, न के स्थान पर ल हो जाता है। त आए या थ आए या द आए या ध आए या न आए, इसके स्थान पर ल हो जाता है। जैसे उत जोड़ लिखितम उल्लिखितम, भगवत जोड़ लीला भगवल लीला, यहाँ तो का ल हुआ है, यहाँ तो का ल हुआ है। भवान जोड़ लिखती, यहाँ नौ का भी ल हुआ है, भवान जोड़ लिखती भवान लिखती।